गुड मॉर्निंग बच्चों, अब हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे जो है केयरिंग फॉर द एनवायरनमेंट, मतलब हमारे एनवायरनमेंट की केयर करना। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा एनवायरनमेंटल पोल्यूशन, जिसमें क्या क्या था, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमें जो हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है उसको, उसकी केयर कैसे करें, उसको कैसे बचाएं। वन ऑफ द मेन मेजर रीज़न फॉर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज़ वेस्ट। मेजर रीज़न क्या है, वेस्ट यानी कचरा, एंड इन इट्स इम्प्रॉपर डिस्पोजल, मतलब और इसका प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं होता है, नहीं फेंका जाता है, इसीलिए हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूट होता है। When factory and household waste are dumped into the water bodies, it ends up polluting water. जब factory और household waste जो होता है, मतलब फैक्ट्रियों का और घरों का जो भी कचरा निकलता है, जब हम इनको water bodies में फेंकते हैं यानी पानी में डालते हैं, इससे क्या होता है, पानी ख़राब होता है, पानी पॉल्यूट होता है। जब भी हम इसको लैंड पर डालते, ज़मीन में डालते हैं, तो हमारी ज़मीन और मिट्टी पॉल्यूट होती है, और अगर हम इस कचरे को जलाते हैं तो एयर पोल्यूशन होता है। हैंस वेस्ट नीड्स टू बी मैनेज्ड प्रॉपरली, जो वेस्ट है, कचरा है, उसको प्रॉपरली मैनेज करना होगा। वेस्ट मैनेजमेंट इज कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, सीवेज एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। सबसे पहले है कि वेस्ट क्या होता है। वेस्ट एनी सब्सटेंस विच इज़ डिस्कार्डेड आफ्टर बीइंग यूज्ड एंड इज ऑफ नो यूज एनी मोर इज कॉल्ड वेस्ट, मतलब कि कोई भी सब्सटेंस विच इज़ डिस्कार्डेड आफ्टर बीइंग यूज्ड एंड इज ऑफ नो यूज एनी मोर इज कॉल्ड वेस्ट, या तो वो किसी यूज का नहीं है या फिर उसको यूज करने के बाद हमने फेंका है, वो क्या कहलाता है, वेस्ट कहलाता है। हम डेली कोई ना कोई वेस्ट निकालते हैं घर से, इन फॉर्म ऑफ पेपर, पेपर के फॉर्म में, पैकेजिंग मटेरियल के फॉर्म में, प्लास्टिक बैग्स, ओल्ड न्यूज़पेपर, फ्रूट, वेजिटेबल पील्स, मतलब डेली हम लोग के घर से कचरा निकलता है ना, जैसे किस किस वे में निकलता है, जैसे पेपर, कोई भी ख़राब पेपर हो गया, पैकेजिंग मटेरियल, जैसे पॉलीथीन में हम डालते हैं ना कचरा, जैसे सब्जियां तो डेली बनती है, फ्रूट्स भी खाते हैं तो उनका, उनके छिलके जो होते हैं वो फेंकते हैं, पुराने न्यूज़पेपर हो गए वो फेंकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वेस्ट। वेस्ट दो तरीके का होता है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। फर्स्ट है बायोडिग्रेडेबल, दिस टाइप ऑफ वेस्ट रोट्स ईजीली एंड मिक्सेस विद द सॉइल, मतलब ये जो बायोडिग्रेडेबल होता है यानी ये क्या होता है, मिट्टी में ईजीली मिल जाता है। लेफ्ट ओवर फूड वेजिटेबल, मतलब बचा हुआ खाना, जैसे खाना था वो बच गया, वेजिटेबल सब्जियाँ और फ्रूट्स के छिलके, पेपर, पत्ते, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। दे डिकम्पोज ईजीली इन द सॉइल विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म्स, ये मिट्टी में ईजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, किसकी हेल्प से, केंचुए और जो छोटे छोटे माइक्रोग्रेनिज्म होते हैं, जैसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, इनकी हेल्प से ये मिट्टी में ईजीली डिकम्पोज हो जाते हैं यानी मिल जाते हैं। जैसे इसमें भी देखो, ये पेपर है, ये सब्जियों के छिलके हैं, ये पत्ते हैं, और ये पेपर जैसे वेस्ट है, ये क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, ये इसमें मिट्टी में नहीं मिक्स होते हैं और इनको बहुत ज़्यादा समय लगता है डिकम्पोज होने में, जैसे कि प्लास्टिक बैग, सिंथेटिक्स, मेटल कैंस, ग्लास बॉटल, एल्यूमिनियम फॉइल्स, ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। देखो पॉलीथीन कभी मिट्टी में अंदर नहीं जाती है, दबी रहती है, और इसको डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे देखिए कोल्ड ड्रिंक, जैसे अपन मान लो बर्गर किंग है या कहीं भी मॉल वॉल जाते हैं तो ऐसे कोल्ड ड्रिंक देते हैं ना, तो ये हो गया, फिर ये बॉटल्स हो गई और मेटल कैंस, जैसे कोल्ड ड्रिंक की छोटी छोटी बोतलें आती हैं, वो सब, ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है।
अगर हम इनको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करेंगे तो ये मिट्टी को, वाटर बॉडीज़ को, इनको नालों को इनको रोक देते हैं, चोक कर देंगे, और इससे हमारा एयर और लैंड पोल्यूशन होगा। और जो भी एनिमल्स इनको खाएंगे, जानवर अगर इनको खाएंगे तो उनकी डेथ भी हो सकती है। वेस्ट डिस्पोजल इन टाउन्स एंड सिटीज, म्यूनसिपल बॉडीज लुक आफ्टर द कलेक्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम होम्स। मतलब कस्बों में और जो शहरों में क्या होती है, जो म्यूनसिपल बॉडीज होती है, नगर निगम जो होता है, वो क्या करता है, जो कचरों को, जो घर से निकलने वाला कचरा, गलियों, हॉस्पिटल, पब्लिक प्लेसेस जो से जो वेस्ट निकलता है, उसको कलेक्ट करने का काम करती है। और वो इसके लिए बहुत सारे मेथड यूज़ करती हैं, जैसे कि पहला है ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग क्या होता है, मतलब कि ये देखो, ये जैसे ट्रक से जैसे अपने घर पे आता है ना कचरे वाला, तो गाड़ी आती है ना कचरे की, जैसे गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकलवाता है, तो वो क्या करता है, कचरा लेके जाता है यहाँ से और किसी खाली जगह, दूर जाकर किसी खाली जगह पर फेंक देते हैं। और जब ये खाली जगह पर फेंकते हैं तो इससे क्या होता है, इससे पॉल्यूशन होता ही होता है। नेक्स्ट है बर्निंग। समटाइम्स कलेक्टेड वेस्ट सच एज केमिकल्स, मेडिकल वेस्ट और अदर पॉइजनस जो मटेरियल्स होते हैं, इनको क्या करते हैं, जला देते हैं इनको। इनसे क्या होते हैं, इन वेस्ट को जलाने से हार्मफुल गैसें निकलती हैं जो कि एयर को पल्यूट करती हैं। बिसाइड्स आफ्टर द प्रोसेस इज ओवर, द ऐश विच इज जनरेटेड फर्दर नीड्स टू बी डिस्पोज ऑफ इन अ केयरफुल मैनर। और जब जल जाते हैं तो जो उसकी राख बचती है उसको भी बहुत ध्यान से उसको डिस्पोज करना चाहिए। देखिए, बर्निंग मतलब केमिकल्स हो गए, मेडिकल वेस्ट जो भी होता है, दवाइयों की जो कंपनियों से निकलता है, वो सब अच्छे ये जला दिया जाता है। तो पहला क्या था, ओपन डंपिंग। सेकेंड है बर्निंग। थर्ड है लैंडफिल्स एज गार्बेज डंपिंग साइट। लैंडफिल्स क्या होता है, जैसे खड्डे खोदते हैं और खाइयाँ खोदते हैं, उनमें क्या करते हैं, कचरा डाल देते हैं, और जब वो खाई भर जाती है तब वो उसको फिल कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और उसके बाद उसको पार्किंग लॉट या फिर पार्क के रूप में भी यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट है कंपोस्ट पिट। यानी कंपोस्ट पिट यानी क्या होता है कि ये इट इज़ यूज टू डिस्पोज ऑफ हाउस होल्ड एंड गार्डन वेस्ट। जो घर का और गार्डन का जो जैसे कचरा निकलता है उसके लिए खड्डा खोदते हैं, खाद का खड्डा बोलते हैं इसको। हाँ, इसके अप इट इज़ डग इन द ग्राउंड, ज़मीन पर एक खड्डा खोदा जाता है एंड वेस्ट इज थ्रोन इट इन इट, और सारा कचरा इसमें डाल दिया जाता है। सारा मीन्स घर का और जो जैसे गार्डन वगैरह से निकलता है वो कचरा। वंस द पिट इज़ फुल, एक बार जब ये खड्डा भर जाता है, इसको पानी से भर दिया जाता, मतलब इसमें पानी छिड़क दिया जाता है और इसको डीकम्पोज के लिए छोड़ दिया जाता है। द वेस्ट इज टर्न रेगुलरली एंड काउ डंग और अर्थ वर्म्स आर एडेड टू द वेस्ट। जो गाय का गोबर रहता है और अर्थ वर्म्स यानी छोटे छोटे केचुए इसमें छोड़ दिए जाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी प्रोसेस, जो खाद बनती है उसकी प्रोसेस जल्दी से पूरी हो जाए। दे डीकम्पोज वेस्ट इज को द डीकम्पोज वेस्ट इज कॉल्ड कम्पोस्ट। इसको क्या बोलते हैं, खाद। इट कैन बी यूज एज मैन्योर फॉर प्लांट्स। इसको पेड़ पौधों के लिए यूज़ किया जाता है। दिस नेचुरल मैन्योर इज सेफ, यह बहुत सेफ रहती है और इनएक्सपेंसिव यानी महंगा बिल्कुल भी नहीं है। महंगा क्यों नहीं है, क्योंकि कचरा ही तो है इसमें सारा, घर का जैसे सब्जियाँ और फलों के छिलके वो सब होते हैं वो डाल दिए जाते हैं, और क्या डाला जाता है, गार्डन में, जैसे गार्डन में घास वास छोटी मोटी जो भी निकलती है वो सब इसमें डाला जाता है। इट इज़ हेल्दियर टू ग्रो क्रॉप्स इन नेचुरल मैन्योर इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। अगर हम इस टाइप की खाद यूज़ करेंगे पेड़ पौधे उगाने के लिए तो ये हेल्दी होगा, ना कि जो केमिकल्स यूज़ करते हैं वो। तो ये चार हो गए, ये हम क्या करते हैं, इस ऐसे हम वेस्ट को डिस्पोज करते हैं। पहला था ओपन डंपिंग, सेकेंड है बर्निंग, थर्ड है लैंडफिल्स एज गार्बेज एंड फोर्थ इज कंपोस्ट पिट। ठीक है, अब है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड द वेस्ट मैनेजमेंट आर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। अब पढ़ते हैं रिड्यूस क्या होता है।
रिडक्शन इज कंजर्वेशन, रिडक्शन मीन्स कंजर्वेशन यानी बचाव. सो यूज़ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमें बुद्धिमानी से यूज़ करना चाहिए. जैसे कि यू कैन सेव वाटर बाय नॉट लेटिंग इट रन वाइल ब्रशिंग योर टीथ. जैसे कि हम पानी कैसे बचा सकते हैं, जब हम ब्रश कर रहे हैं तब हमें नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए. जैसे हम जब ब्रश कर रहे हैं तो उसको नल को बंद कर देना चाहिए. एंड यूज़ अ बकेट टू टेक अ बाथ इंस्टेड ऑफ अ शार, और नहाने के लिए बाल्टी का यूज़ करना चाहिए ना कि शार का. शावर बाल्टी में पानी भरो और जितना हमें नहाना है उससे नहाओ. शावर में क्या होता है, ज़्यादा पानी लगता है क्योंकि पानी चलता रहता है और हम नहाते रहते हैं, साबुन लगाते रहते हैं और शावर चलता रहता है, तो कितना पानी वेस्ट होता है. यू कैन सेव एनर्जी बाय स्विचिंग ऑफ द लाइट्स, फैंस, टेलीविज़न एट्सेट्रा. मान लो हम किसी रूम से उठ के गए, हमने वहाँ का लाइट, फैन ये सब ऑफ नहीं किया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एनर्जी को सेव कर, ऊर्जा को सेव करना चाहिए. जहाँ से हम उठ के जा रहे हैं वहाँ का लाइट, फैन, टीवी, अगर कुछ चल रहा है तो बंद करके जाना चाहिए जब हम उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं. यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन कंपोस्ट बिन. हम अपना खुद का खाद का एक बिन बना सकते हैं. द कंपोस्ट फॉर्म्ड विल बी गुड फॉर योर प्लांट्स. इससे क्या करते हैं, हम अगर घर पे कोई पेड़ पौधे उगा रहे हैं तो हम उसके लिए नेचुरल खाद भी घर पे बना सकते हैं. ये हो गया रिड्यूस. नेक्स्ट है reuse. As far as possible, all those things which can be reused in any way should be made use of. At home, we can find many things that can be reused. हमें घर में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिसको हम reuse कर सकते हैं, दोबारा use कर सकते हैं. Instead of throwing them away, we can use them again. हमें उनको फेंकने की बजाय हम उनको फिर से use कर सकते हैं. जैसे कि shopping bags can be used again for the purpose. जैसे shopping bags जो बड़े बड़े bag हैं उनको वो खरीद लो और shopping के लिए वो ले जाओ, उसको हम बार बार ले जा सकते हैं. क्लोथ्स विच डू नॉट फिट एनी लॉन्गर कैन बी डोनेटेड. जो कपड़े हमें अब फिट नहीं हो रहे हैं, जैसे हम मोटे हो गए या पतले हो गए, तो हमें जो कपड़े फिट नहीं हो रहे हैं हम उनको डोनेट कर सकते हैं, गरीबों को दान कर सकते हैं, दे सकते हैं ताकि वो लोग पहन सकें. ओल्ड कार्डबोर्ड बॉक्सेस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज. जैसे बड़े बड़े बॉक्स होते हैं ना गत्ते के, उनको हम घर में चीज़ें रखने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. एल्यूमिनियम कैंस कैन बी री यूज फॉर स्टोर, टू स्टोर थिंग्स और एज अ टूथब्रश होल्ड. एल्यूमिनियम कैंस के जो वो होते हैं छोटे छोटे डिब्बे, उनको हम री यूज टू स्टोर थिंग्स और टूथब्रश होल्डर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं. कैन यू सजेस्ट सम मोर वेज ऑफ री यूजिंग सम थिंग्स. आप खुद सोचिए कि घर में जो भी चीज़ें हैं हम उसको कैसे reuse, मतलब दोबारा हम उसको कैसे use कर सकते हैं. Next है recycle. Recycling is a process by which waste materials are converted into new reusable form. Recycle क्या होता है, जैसे जो waste material होता है उसको convert किया जाता है नई reusable form में, यानी नए जिस ताकि हम दोबारा उसको use कर सकें, उनको प्रोसेस किया जाता है एंड री मैन्युफैक्चर टू मेक न्यू प्रोडक्ट. उनको दोबारा से बनाया जाता है नए प्रोडक्ट बनाने के लिए. फॉर एग्जांपल जो पुराने न्यूज़पेपर हैं और मैगजीन से, उनसे पेपर मैश बनाए जाते हैं. पेपर का कुछ भी, जैसे बाउल बना लिया या कुछ भी बना लिया. जंक डीलर्स कबाड़ी वाला जो होते हैं, बाय ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर खरीदते हैं, मैगजीन्स और बुक्स खरीदते हैं हमसे. दे सेल देम टू फैक्ट्रीज़. वो उनको फैक्ट्रीज़ में जाकर बेचते हैं, जिससे कि फैक्ट्रीज़ क्या करती हैं, नए पेपर बनाती हैं. ग्लास बॉटल्स, प्लास्टिक वेयर एंड कार्डबोर्ड बॉक्सेस कैन बी ऑल्सो बी रिसाइकल्ड इन अ सिमिलर मैनर. ग्लास बॉटल्स जो होती हैं, प्लास्टिक वेयर जो होते हैं, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, इन सब को इसी वे में रिसाइकल किया जाता है. यू कैन इवन रिसाइकल द वाटर यूज्ड इन द किचन टू वाटर द प्लांट्स और टू वॉश योर साइकिल. जैसे किचन में जैसे जो पानी यूज़ किया, जैसे हमने सब्जियां धोई, जिस पानी में गर्म पानी किया उसमें हमने सब्जियां धोई, अब हम उस पानी से गाड़ी भी धो सकते हैं, उस पानी का यूज़ कर सकते हैं, प्लांट्स में दे सकते हैं. तो ऐसे हम पानी का यूज़
कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। कंजर्विंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को बचाना। देर आर मैनी मोर वेज इन विच यू कैन हेल्प टू सेव द एनवायरनमेंट, जैसे प्लांट मोर ट्रीज और पेड़ लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। वॉक और यूज साइकिल्स फॉर ट्रैवलिंग शॉर्ट डिस्टेंसेज, अगर हमें थोड़ी ही दूर पर जाना है तो हमें साइकिल का यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या होगा, साइकिल में ना तो कोई भी पॉल्यूशन होता है किसी तरह का, क्योंकि ना उसमें पेट्रोल ना डीजल कुछ भी नहीं होता है, ना उसमें हॉर्न होता है। हॉर्न तो होता है बट उसका हॉर्न इतना ख़राब नहीं होता कि कानों को बेकार लगे, और कईयों में तो होता ही नहीं, पहले आता था अब तो नहीं आता। यूज़ पेपर और क्लोथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वंस, पेपर के बैग्स यूज़ करो, कपड़े के बैग यूज़ करो, प्लास्टिक के बैग यूज़ मत करो। जैसे होते ना सब्जी वब्जी लेने जा रहे हैं तो अपने बैग लेके जाओ साथ में। यूज़ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, सोलर और विंड एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर शुड बी कंट्रोल्ड, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर जो होते हैं फार्मिंग में यूज़ आते हैं, जो कि उनका यूज़ कंट्रोल मतलब उनको बहुत कम यूज़ करना चाहिए। डिस्पोज ऑफ योर हाउस होल्ड वेस्ट इन अ केयरफुल मैनर, हमारे जो घर का कचरा है वो हमें वो जो गाड़ी आती है उसमें ही डालना चाहिए, हमें इधर उधर सड़कों पे या फिर खाली प्लॉट में इधर नहीं डालना चाहिए। तो ऐसे ये छोटी छोटी चीज़ें करके हम हमारे एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं।